हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान बुनकर। तो कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 3 जनवरी, नए साल स्टार्ट हो गए तो 3 दिन में निकल गए यार। 3 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। वैसे भी कहाँ पता चलता है दिनों का। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। मौसम हो रहा है बहुत ही शानदार, बाहर कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है। मैं तो बाहर जाके तो नहीं दिखा सकती, सर्दी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो क्या कर रहे हो आप सब? मैं तो बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। सुबह सुबह 10 बज चुके हैं, चाय वाली थोड़ी पी ली। तो मेरे मेंडल का फोन आया, उन्होंने कहा मौसम हो रहा है मेंडल बहुत ही खराब, तो यार पकौड़ी बना लेना। मैं अकेले रहती हूँ जब, तो मैं कुछ नहीं बना पाती, लेकिन उनके लिए अच्छा भी लगता है वो कुछ बोलते हैं। तो वैसे रोज मेरे पास रहते नहीं है यार, ये तो दिक्कत है जब मैं कुछ बना नहीं पाती तो दिन में दिन तो बोलते हैं। तो आप न्यू ईयर पे कहाँ कहाँ गए पार्टी करने के लिए? मेरे तो ऐसी लाइफ है ना, करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ नहीं पाता। कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अभी की प्रॉब्लम है। उनको ड्यूटी से टाइम मिल जाता है तो आ जाते हैं, अपना मना किसी चीज़ के लिए नहीं करते हो, लेकिन समझना पड़ता है ना थोड़ा। तो हम तो ऐसे ही गए थे छोटी छोटी जगह पर थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए। आप बने रहे ब्लॉग में, मैं बनाती हूँ, पहले बना रही हूँ बैंगन की सब्जी, फिर बनाऊंगी पूड़ी, फिर बनाऊंगी पकौड़ी। तो ठंडे मौसम का लेते हैं मजा, आलू पर इतने आते हैं 2 घंटे के लिए। बने रहे ब्लॉग। तो सब्जी तो बन चुकी है, देखिए अभी तो बनी नहीं है। तो सब्जी तो लगभग बन चुकी है, 5 मिनट और लगेगी इसमें। अब मैं बनाती हूँ पकौड़ियों का पेस्ट, लगाती हूँ आटा और फिर बनाती हूँ पूरी पकौड़ी। उनके लिए वो आते हैं जब तक काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर सिर्फ खाना खाने का काम करेगा। तो बने रहे आप ब्लॉग के। तो मैंने सारा काम कर लिया है, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद में बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म खाना। अभी का फोन आया, अभी वो आने वाला है 10-15 मिनट में। तो पूड़िया तो मैंने बना ली है, पकौड़िया इधर बन रही है, थोड़ी सी गर्म गर्म बना के दूँ। ये देखो किसी को खाना हो गर्मा गर्म पकौड़ी और पूड़ी तो आ सकता है। बने रहे ब्लॉग के अंदर। तो खाना रेडी हो चुका है, मेंटल आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और मेरा न्यू ईयर का गिफ्ट भी आ चुका है। उस दिन आया नहीं था टाइम से। क्या है ये? मेरे को नाम नहीं आता इसका। बर्ड्स ये कान में लगा के रेडियो पे, क्योंकि मैंने कहा था पब्लिक में जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे आवाज नहीं आती, तो मुझे लाके दो। ले आए हैं, मेरा गिफ्ट भी हो गया न्यू ईयर का। ये देखो खुद भी ब्लॉग में लगे हैं, खुद का ब्लॉग। इनका ब्लॉग देखना होना तो जाना इनके चैनल पे, जितेंद्र चांदोलिया ब्लॉग्स पे, जहां तक मेरे सब्सक्राइबर है वही इनके। तो खाना खा लो पहले, ठंडा हो जाएगा नहीं तो यार। तो बने रहे ब्लॉग के अंदर। अब हम दोस्तों लग गया है बर्ड्स कान में, अभी देखते हैं कैसा इसका साउंड है, सभी चेक करते हैं बैटरी क्वालिटी। वैसे तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो खाना वगैरह हम खा चुके हैं, और सुबह मैं 8 बजे से लगी हुई थी मेरे रूम को सेट करने में। इतना सामान फैला हुआ है, छोटा सा तो एक रूम है, उसकी एक एक चीज को मैं सेट करती हूँ। और जनाब बोल देते क्या काम है यार, झाड़ू पोछा है ये कमरे का, करना ही क्या है तेरे को? इतनी मुश्किलों से मैं सेट करूँ, मेरे रूम की हालत देखना एक बार वापिस। सिर्फ 2 घंटे के लिए आए, सिर्फ 2 घंटे के लिए। देखो इधर चाय बन गई है, चाय मैंने इनको डाल दी, पी लो चाय। ये क्या है ये? मत लगे पड़े देखो रूम। कुछ नहीं हो सकता इसका ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे रूम को छेड़ दे, बखेर देता है पूरे को। तो मेंटल जा चुके हैं ड्यूटी, मेरे गई फिर से अकेली। तो आज का ब्लॉग यही था, छोटा सा है, 3 या 4 मिनट का मिनी ब्लॉग शूट करती हूँ मैं, ज्यादा बड़ा बनाती नहीं। क्या करूँ यार, इतना सा कुछ है नहीं ब्लॉग वगैरह शूट करने को, लेकिन कभी कभी मन कर देता है तो मैं बना देती हूँ। तो मुझे मेरे न्यू ईयर गिफ्ट मिल चुका है, देखिए बहुत अच्छे आईफोन के, मस्त, थैंक यू। अभी तो उन्होंने दिया है मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट। और आप सबको कैसा लगा ये ब्लॉग? तो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, बाय। और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर।